हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ स्टडी में। कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन डाले जा रहे थे वो डाल नहीं पा रहा था, लेकिन आज से अब रेगुलर आपको वीडियो डेली मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक एनसीईआरटी जो ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज है 8.1 में, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक वो वीडियो पढ़ चुका है। आप प्लेलिस्ट से जाके देख लेंगे या मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, यदि 3 cot a इक्वल्स टू 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यानी आपको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड इसमें नहीं लाना है, इसमें आप पहले 3 cot a की सहायता से 4 की सहायता से tan का मान निकालेंगे, cos और sin निकालेंगे, फिर वैल्यू पुट करके दिखाएंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड का मान आएगा वही राइट हैंड साइड का आएगा। तो सबसे पहले जब ऐसे क्वेश्चन आता है ट्रिग्नोमेट्री में तो हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने बना लिया है, अगर इसको थीटा मान रहे हैं तो ये हो जाएगा थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है यानी लंब होता है, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस यानी कर्ण और ए बेस। और चूंकि मैं हिंदी इंग्लिश इसलिए ऊपर दिया हूँ कि इस क्वेश्चन को कोई भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें इंग्लिश हिंदी दोनों हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं, क्वेश्चन में आपका दिया है 3 cot a इक्वल्स टू 4, तो आप इसको लिख सकते हैं cot a, ऐसे क्वेश्चन आता है ट्रांसफ़र कर लेते हैं, 4 बाई हो जाएगा 3। और आप जानते हैं कि cot का फार्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं आधार बटे लंब। यानी अब देख लेते हैं, आधार की वैल्यू यहाँ पे 4 है और लंब की वैल्यू क्या है 3, यानी हमको क्या चाहिए, एच चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज हम जानते हैं फार्मूला एक एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं एच, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर आपका है 3 का स्क्वायर हो जाएगा और बेस है 4 यानी 4 का स्क्वायर। दिस इम्प्लाई डेट एच स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे ये हो गया 25, यानी एच इक्वल टू अंडर रूट क्या हो गया 25। अब इसको जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी हाइपोटेनस भी आपका आ गया 5। तो लिखेंगे नाउ, बहुत ही आसान। अब क्वेश्चन में हमको देख रहे हैं कि टेन की ज़रूरत है कॉस और साइन, तो पहले हम निकाल लेते हैं साइन ए, फिर निकाल लेते हैं कॉस ए, और फिर निकालेंगे यहाँ पे टेन ए। अभी देखिए साइन ए का फार्मूला यानी साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस यानी लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे होता है कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो ऊपर आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर 3 है और कर्ण जो आपका हाइपोटेनस है 5, और ये होता है आपका बेस बाई हाइपोटेनस यानी आधार बट्टे कर्ण। तो बेस आपका है 4 और कर्ण है 5, और टेन का फार्मूला होता है कॉट का उल्टा यानी परपेंडिकुलर बाई बेस लंब बट्टे आधार। तो लंब आपका है यहाँ पे 3, आधार है 4। अब लिखेंगे सो, आप क्वेश्चन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन की वैल्यू आपका 3/4 है, तो ये 3/4 का स्क्वायर होगा और बाई 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे इजीली 1 माइनस ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग होता है 16, फिर नीचे भी सेम वही होगा 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो इसको हम नीचे अगर एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, और फिर डिनोमिनेटर में भी यहाँ 1 लिख सकते हैं, इसका भी एलसीएम 16 ही आएगा। तो 16 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 16 माइनस 9 और नीचे हो जाएगा 16 प्लस 9, ये दोनों सेम है हो जाएगा कैंसल। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 16 में से 9 को घटाएंगे तो बचेगा 7 और 16 ना 25, ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड का। अब फिर देख लेते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आता है। मैं यहाँ यहीं पे साइड में राइट हैंड साइड ले ले रहा हूँ, राइट हैंड साइड आप ऊपर देखेंगे तो ये है कॉस स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए, कॉस की जो वैल्यू है 3/5, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/5, और चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, और फिर साइन, साइन की जो वैल्यू आया सॉरी उल्टा वैल्यू रख दिया गया, ये 4/5 है, कॉस पहले है 4/5 और साइन की वैल्यू आपका 3/5 है। तो 4/5 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो 16/25 हो जाएगा और ये 9/25। आपको पता है जब हर समान होता है तो अंश को हम क्या करते हैं, वैसे ही लिख लेते हैं, यानी इसका एलसीएम आएगा 25 और 16 से 9 को घटाएंगे 7, तो लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया।